नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, साल 2024 के परिणाम के बाद से ही इस बात की अटकलें तेज हो गई थी कि अब शायद योगी को यूपी के अंदर से पूरी तरह से निपटा दिया जाएगा और इससे लेकर के यूपी के अंदर कई तरह के षड्यंत्र भी रचे जाने लगे। खास करके वो लोग जो कि योगी को पसंद नहीं करते हैं, उन्होंने इस बात की कसम खा ली थी कि साल 2024 के परिणाम का बहाना लेकर के योगी को यूपी के अंदर से पूरी तरह से निपटा देंगे, जिसके लिए लखनऊ से दिल्ली और दिल्ली से लखनऊ लोग भागे भागे फिर रहे थे और इस बात की कोशिश कर रहे थे कि इस बार तो किसी तरह से योगी को निपटा देना है। लेकिन शायद वो लोग इस बात को पूरी तरह से भूल चुके थे कि योगी वही शख्स है जिसे भारत के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री बनाया गया। कुछ तो जरूर ऐसी खास बात होगी कि जिसके कारण से भारत के सबसे बड़े सूबे की कमान यूपी के अंदर योगी को ही दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स में भी इस बात का दावा किया जाने लगा कि अब तो योगी को यूपी के अंदर से पूरी तरह से निपटा दिया जाएगा, जिसे लेकर के विपक्ष इतना खुश होने लगा कि मानो उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा खुद ही निकल गया हो। क्योंकि विपक्ष इस बात को अच्छे से जानता है कि विधानसभा चुनावों के अंदर यूपी में योगी को हरा पाना बहुत ही मुश्किल है। भले ही साल 2024 के लोकसभा परिणामों में यूपी के अंदर बीजेपी की सीट कम क्यों ना हुई हो, लेकिन एक्चुअली में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव पूरी तरह से अलग होते हैं और विधानसभा के अंदर यूपी में योगी को हरा पाना बहुत ही मुश्किल है। विपक्ष ये चाहता था कि किसी भी प्रकार से योगी को यूपी के अंदर से हटा दिया जाए, लेकिन वो इस बात को भूल चुके हैं कि मटका ये सन्यासी राजनीति में भी पूरी तरह से धुरंधर है। दोस्तों, योगी ने अपने साथ साथ न जाने कितने लोगों को राजनीति के अंदर उतारा और साथ ही साथ उनकी किस्मत को चमकाया, तो फिर भला योगी को यूपी के अंदर से हटा पाना इतना आसान कहां हो सकता है। योगी ने अपने सभी विरोधियों को पूरी तरह से शांत कर दिया और इस बात को एक बार फिर से करके दिखाया कि यूपी के अंदर योगी ही चलेगा। और खास तौर पर वह व्यक्ति जो कि मोदी के बाद प्रधानमंत्री पद का दावेदार है, उस व्यक्ति को इतनी आसानी से अनदेखा करना भला किसी के बस की बात कहां है। यूपी में बीजेपी के वो सभी नेता जो कि योगी के खिलाफ थे, धीरे धीरे इस बात को अच्छे से समझ गए कि मोदी के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में इकलौता योगी ही ऐसा चेहरा है जो कि पीएम कैंडिडेट के उम्मीदवार हो सकते हैं और भारत के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। योगी विरोधियों को ये बात बहुत जल्दी समझ आ गई, जिसके कारण से योगी विरोधी धीरे धीरे शांत होने लगे और वो लोग जो कि लखनऊ से दिल्ली और दिल्ली से लखनऊ की दौड़ कर रहे थे, अपने आप ही शांत हो गए। साथ ही साथ बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी इस बात को अच्छे से समझ गया कि अगर यूपी के अंदर से योगी को हटाया जाता है या फिर उनके साथ किसी भी प्रकार की अनदेखी की जाती है, तो ये बीजेपी के लिए अपने आप ही एक आत्मघाती कदम माना जाएगा। योगी यूपी के साथ साथ भारत के अंदर हिंदुत्व का एक ऐसा चेहरा है जिन्हें सुनने के लिए एक बड़ी भीड़ आती है और साथ ही साथ जिन्हें भारत में हिंदुत्व के नाम पर बहुत अच्छा खासा समर्थन मिलता है। यही कारण है कि भारत के अगले भावी प्रधानमंत्री को हटाने की ताकत किसी के अंदर नहीं हुई। दोस्तों, क्या आप लोगों को लगता है कि मोदी के बाद योगी ही भारत के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री बनने के उम्मीदवार है? आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, प्लीज अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।